दोस्तों जून के महीने की सबसे बड़ी फिल्में रेस 3 जो कि 15 जून को रिलीज हुई थी और कल 29 जून को रिलीज होने वाली है दूसरी बड़ी फिल्म जिसका नाम है संजू। दोनों ही सितारे रणबीर कपूर और सलमान खान एक दूसरे से काफी अलग है, दोनों की एक दूसरे से बनती भी नहीं है और लोगों में इन दोनों ही फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा ही भावनाएं हैं। अब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर फर्स्ट डे कलेक्शन में किसने मारी बाजी। दोस्तों पहले बात करेंगे फिल्म संजू की जो रिलीज होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें फिल्म संजू को मिली है 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स और ये फिल्म भी सोलो रिलीज होने वाली है। संजू में रणबीर कपूर संजय दत्त की भूमिका में नजर आने वाले हैं। रणबीर कपूर की पिछले फिल्मों की बात करें दोस्तों तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रहे हैं रणबीर कपूर। हालांकि रणबीर कपूर की एक्टिंग हमेशा ही प्रभावित करने वाली रही है और उन्होंने कई बार अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बनाया है, खासकर लड़कियों में रणबीर कपूर को लेकर काफी ज्यादा दीवानगी है। और फिल्म संजू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें दोस्तों तो केवल रणबीर कपूर नहीं, फिल्म में आपको संजय दत्त के इफेक्ट का भी असर पड़ेगा और साथ ही राजकुमार हिरानी की फिल्म का, क्योंकि राजकुमार हिरानी हमेशा ही शानदार फिल्म देते हैं और लोग संजय दत्त की कहानी जानना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों एडवांस बुकिंग में संजू में काफी अच्छी लोकप्रियता देखने को मिल रही है और इसके फर्स्ट डे कलेक्शन का अर्लियर एस्टिमेट लगाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली संजू काफी शानदार फिल्म है और एडवांस बुकिंग और दर्शकों का भावनाएं देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन पर 26 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। 26 करोड़ रणबीर कपूर की अब तक की हाईएस्ट ओपनिंग साबित होगी। इससे पहले रणबीर कपूर की बेशरम ने पहले दिन 22 करोड़ का कलेक्शन किया था, उसका रिकॉर्ड अब ये फिल्म संजू तोड़ सकती है। अब बात करते हैं भाईजान की फिल्म सलमान खान की रेस 3 की जो कि 15 जून को रिलीज हुई थी। आइए जानते हैं कि उसका क्या रहा था फर्स्ट डे कलेक्शन। दोस्तों यहां पर सलमान खान का स्टारडम ही काफी है। सलमान खान को हराने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, काफी ज्यादा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेना होगा क्योंकि सलमान खान बॉलीवुड के नंबर वन सितारे हैं जिन्हें कलेक्शन के मामले में पछाड़ना किसी के बस की बात नहीं। रेस 3 का फर्स्ट डे कलेक्शन रहा था दोस्तों 29 करोड़, यानी कि संजू से यह ज्यादा ही रहने वाला है। तमाम एडवांस बुकिंग और दर्शकों के क्रेज को देखते हुए अंदाजा लगाया जा चुका है कि संजू फर्स्ट डे कलेक्शन में रेस 3 को पीछे नहीं छोड़ने वाली। ये दिलचस्प होगा कि संजू यहां पर पीछे रहेगी रेस 3 से और सलमान के फैंस के लिए काफी अच्छी खुशखबरी है कि सलमान का रिकॉर्ड तोड़ना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है क्योंकि भाईजान बॉलीवुड पर राज करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या संजू पहले दिन के बाद रेस 3 की टोटल कलेक्शन से आगे निकल पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई और सब्सक्राइब करें देखो देखो ताकि बॉलीवुड की और भी अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। और दोस्तों बेल आइकन दबाएं ताकि मूवी के हर अपडेट हर क्रिटिक्स आप तक पहुंचे सबसे पहले।